बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगेबान पाकिस्तान। मैं हूं मुरीद शाह, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर हैं। इसी से मुतल्लिका ये मरियम का कल जो प्रोग्राम था वो था, उससे पहले बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब को कोट प्रोग्राम में गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद रियाज, इमरान रियाज को बाहर फरार होने के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो और भी न जाने की को जान के, उससे आगे बात ये, जो नए चैनल आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने चीदा चीदा बंदों के कल भी नाम लिए और दो दिन पहले भी लिए थे कि इनको निकाल दे खान, निकाले नहीं जूते मार के निकाले। पेजे का तो मैंने कहा ही कहा था ना, ये बाकियों का भी, ये अनकरीब जो ग्रुप टूट के जाएगा, खान साहब पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे हैं कि जो नया नया बचा हो ना, चलना शुरू हो, माओ माओ चलना तो खड़ा खड़ा, तो पीछे से पोन निकल जाए तो देख के तो खुद हैरान हो जाता है ये क्या चीज़ हो गई। खान साहब के साथ अनकरीब ये होने वाला है कि वो पोन निकलेगी उसकी तो कहेंगे है की चीज़, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है। जो एक साल का बच्चा या आठ नौ महीने का बच्चे मंजी पकड़ पकड़ के चलता है ना, इसकी मैं मिसाल दे रहा था। इसमें कोई बुरी बात मैंने नहीं की। ये इधर इधर जो लोग हैं ना, इतना इतना बड़ा मारते तो किसी को, उधर तो हमारे हाथ से नहीं, मेरा यहीं आता निकल गया, हमारे अंजस का बुरा हाल हो जाता। इनके लिए ये आम चीज़ है, जिस तरह जुबाई लेना, खांसी लेना, इस तरह ये बहुत बड़ा बम निकल जाना भी यहाँ रूटीन का है। एक तो ये बात होगी, वैसे ये छोटी छोटी बात पर हंसते हैं, के लगा के हंसते हैं। एक तो मेरी मोची छोटी बड़ी हो गई, वो देख के मेरी पर्सनैलिटी भी हाफ 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 बस हंसने का मौका था। ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको तो ग्रुप जो बन रहा है टांगा पार्टी बन रही। मरियम नवाज शरीफ गई थी बावलपुर, राणा साहब ने उसकी उसका ड्राइवर लग गया, उसको प्राइवेट सेक्रेटरी लग गया, वजारत उज़्मा नवाज शरीफ से एवें तो नहीं ना मिल जाती। एक मैंने तीन चार मरतबा कहा था, आर एफ अलवी जो है ना, ये इस काबल नहीं था जो बना दिया, ये मेरा ये याद रखना आपने, इस काबल नहीं है था जो सदर बना दिया गया। अच्छा, आप कहेंगे यार हर बंदा यार जो बंदे हैं इस तरह, तो मैं वही कहूँगा ना जो जिस खमीर से बने हुए हैं वो, ये मैं चौलों की पिनियाँ तो नहीं कहूँगा ना, खमीर से बने तो डबल रोटी बांध ये वो ऐसी चीज़ें कहूँगा। मरियम उधर गई, मैं यहाँ हाथ रख लूँ इस तरह बात कर लूँ, इजाज़त हो तो, कहते कैमरा हिलता। मरियम गई तो वहाँ से जो 5 करोड़ रुपया भेजा ना शहबाज शरीफ ने, वो तो मुक गया था, उसने साके डॉलर ने और भी उसने का पैदा करके मुझे कहीं से दे। अभी एक मेरी फिल्म आ रही, वहाँ से बताएंगा आपको किस किस तरह पैदा होती है, तो कहाँ से मरियम का खर्चे पूरे किए जाते हैं। हाथ उठा हिला, मरियम ने जनाबेली दिया किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000, 25,000 तक का थब्बू लफाफे में पैक कर करके भेजे। उनसे पहले उनके नहीं मजा आ रहा आपको, अच्छा, उनसे पहले स्पेशल ब्रांच और आईबी से उन बंदों की इंक्वायरी कराई थी कि वाकई ये पटवारी है ना, कोई इधर उधर देते नहीं, बड़े टेक्निक तरीके से। खान बस्ता पाते जाती हूँ राजा, जाके शिगिर्द कर, शगिर्दी का मरियम दी जा, पैसे दिए भाई हमारे लिए काम करना वगैरह। सबसे ज़्यादा तारक बशीर चीमा का ये लाका लूका है, तो उसको ज़्यादा दंड पड़ेगा अगर टिकट ना दिया, अगर दिया उसी को तो फिर तो ठीक है ना। जो इमरान खान करता है ना तो वो ही इसने करना था, कल हलफ ले रही थी, फिर वो कमीज़ के ऊपर साइन अपने बाप से करवा रही थी, फिर वो फिल्में दिखा के टोटे जो दिखा के, तो वो तो मेरी तजवीज़ थी कि इस तरह खड़कवाया करो कि तो कहती बेंच फिक्स तो बैंक फीस, मैच फिक्स, वो भी चलवाए ना किस दिन, शायद अताब बंदियाल को गैरत आ जाए। आगे इसी का अगला हिस्सा, जो पोलो के एजेंट बनवाने वो उसने भर्ती कर ली हैं। खान साहब तो अभी उधर अपनी टांग की रे रसली कर रहे हैं ना, उधर नदीम अंजम और फैसल नसीर जो इनके बंदे तोड़ी जा रहा है,
क्या था जी, ये बंदे वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मुख्तलिफ डिवीज़न डिवीज़न में बुलाकर मुख्तलिफ बंदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरह गिलानी का बेटा वो वाला जिसने कान बच्चा कूं कराया, भाई ये भी आपको सुनाऊंगा। एक बंदे ने ये गिलानी का बेटा उठा लिया था, उसने उस बेटे से जो ये पैसे बांट रहा था ना, जो तरीके जाली नोट कर रहा था, बीच में आ गई, यार मैं क्या करूँ, बिना आ जाती रुकती नहीं जे पूँ निकल जाता, उसके साथ बदफेली की थी। वो मैं आपको बताऊँगा, पूरी स्टोरी सुनाऊँगा। मुल्तान के 5 डान भाई थे ना, भाई लोग थे जो उनके। अच्छा जी, ये फिर तरीका बात चली, फिर गिलानी के बेटे की तो आ ही गई ना, ये उनको तरीका बताया गया, ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, फंड अरेंजमेंट सारा इसहाक डार करेगा, उसकी ड्यूटी लगाई मियाँ साहब ने कि मरियम जो मांग दियो तू दे होते, एक दो वजीर आला बना या इत वजीर आजम बनवा, ये वो कई साफी मिलते थे ना, तो कहते मियाँ साहब लोग की गल करते ने मरूसीयत कहता की है जी, हथियार कोई बंदा अपने कारोबार नहीं करता, साढ़े अब्बा जी ने किया, असी कारोबार नहीं किया, तो मैं सियासत की थी, तो मैं अपने बच्चों कारोबार सियासत का ना करावा, वगैरह वगैरह। चलो जी, मुल्क में चल रही है, जब तक स्टालिन की तरह 15 बड़े जजों की टांगे चीर नहीं दे गए जाएंगी, कुछ नहीं जो होना, लगे रहो। जिस तरह ईरान में ना वो छोटी सी बोतल जो होती है ना पानी की, 500 ml की, वो पता नहीं 40,000 तुम्मन की आती है, फिर वो जाके करना पड़ता यार, बड़े बड़े नोट देना, 1-1 million का नोट भी है इधर, तो मुझे 40,000 मेरे का बंद हो गया, 1,000 कोई रोते उधर, 1-1 million का। ये बात फिर किधर से किधर चली, जर्मनी में 100 का नोट नहीं जो नज़र आता, ना ही मशीन से निकलता, वो जाके काउंटर पे से निकलना पड़ता, जो 2 नंबर काम करते हैं ना, जिन्हें जो पहुँच पाक रख दो, कितना सारा क्यों रखे, वो फिर जाके वो उसकी कैमरे में फ़ोटो भी आती, कभी किसको भेज देते हैं यार जा, तो उधर से ले आ 5 नोट। 100 का नोट जर्मनी में नहीं मिलता, बैंक के काउंटर से मिलता है, ATM नहीं निकालते। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि ये फंड का अरेंजमेंट ऊपर से आएगा, फेडरल गवर्नमेंट से, जल्द अज जल्द होएगा। जिस तरह महंगाई बढ़ाई जा रही है, उस तरह श्योरिटी दी गई है मियाँ को कि जिस तरह मियाँ तू चाहेगा उस तरह होएगा, सवाई इमरान खान नुकसान पहुँचा दे और रबो दे नाल है, ये मैं कह रहा हूँ। हम जो तरकीब करते हैं वो आगे से वो निकल जाता है, डोले की तरह, इतना सा डोला होता है मोटा सा, वो हाथ में आता ही नहीं है, और छप्पड़ का डोला तो आता नहीं, उसके साथ लगी होती लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा होती। बाकी मियाँ के हर मुतालबे माने जा रहे हैं, माने जाएंगे। ये वो कह रहा है मेरी बेटी आ जाएगी, रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल दो एक लफ्ज है, री लॉन्चिंग हो रही है पाकिस्तान में, और इसका जो री लॉन्चिंग के हैं वो आपने देख लिया, मुफ्ता भी आ गया, फिर खोकर भी आ गया, फिर अब्बासी भी आ गया, फिर वो मुशाहिद हुसैन सैयद भी आ गया, और PTI से जिनको मैं गालियां देता हूँ, बड़ी बड़ी गालियां देता हूँ, वो लोग भी जा रहे हैं PTI से, हनकरीब आप देखेंगे। तो ये कुछ हो रहा है, ऐसी खबरें आपको कोई नहीं और देगा, तो फिर मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ही दूंगा, इसके बाद हालात हाजरा का तबसरा आएगा, उसके बाद एक बच्ची की शादी हुई है, ज़्यादा नहीं 5 trillion की हुई है, अभी पाकिस्तान में अंबानी की बेटी भूल जाएंगे, अंबानी से ज़्यादा है उसकी बेटी ने, एक दो मुतकबराना कहा था कि हमारे पास जहाज़ है, तुम्हारे ये तो वो आपका ये वो करते हैं, अंबानी ने उसके पीछे लगाई भी थी, अजीत दोगल के बंदे लगाए हुए थे, उन्होंने बताया तो अगले दिन जहाज़ पे गई थी किसी, इनके पास तो 5-7 जहाज़ हैं, उसने जहाज़ भी ड्रा कराया और कहा कि रूटीन की फ्लाइट से आ, और कोई गाड़ी लंपट गट्टी और फलाना फलाना जो सपोर्ट कर या कोई नहीं लेन गई थी रूटीन की। 40 दिन तक उसका वाइवा किया था अनिल अंबानी, रियलाइंस दो भाई अलग-अलग हो गए ना, रिलायंस ग्रुप वाले जिसका आधा बिजनेस इसराइल में है,
वो कहते हैं ये मलक रे आपकी तरह नहीं पुत्र, तू जाओ जो मर्जी करो, मैं जिम्मेदार है, राज्य क्या करो या नवाज शरीफ के बदल। उसने कहा था नहीं, तेरे बाप ने सूखे टुकड़े खाए हुए हैं, दरबारों पर से रोटियां खाई हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं चलेगी। याद भी विड्रा कर लिया 40 दिन उसको दिया था कि याद, जो महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां थी वो भी, तो रिलायंस मोबाइल भी है, रिलायंस आधे इंडिया की बत्ती रिलायंस से चलती है प्राइवेट सेक्टर में, वो इतना बड़ा ग्रुप है। बच्चों की तरबियत ऐसे ही नहीं की जाती, गुजराती ये फार्मूला लगाते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे बढ़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगेबान पाकिस्तान। ये आपको ये दिखा रहे हैं जी, ये बिजली की बाड़ होती है ये वाली। इस ये छोटा सा वाड़ा है, इसके अंदर मालिक कभी हिरण का बच्चा ले आता है, महीना के रखता है तो फिर उसको वापस दे आता है।